बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। उसके अश्व का स्वागत करके मैं उस राम की अधीनता स्वीकार करूं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता ऋषिवर, कदापि नहीं। राजन, अपने विनाश को आमंत्रित मत कीजिए। आपको यदि अपने विनाश के भय से सुरक्षित रहना है तो आप एक शब्द भी और मुख से मत निकालिएगा। विनाश का भय विनाश का भय और हमें तीन योग्य पुत्र हैं हमारे, तीन दमन, जो युद्ध में संपूर्ण सेना को एकाकी ही पराजित कर सकता है। चित्राम, जो व्यूह को रचने में निपुण है, युद्ध के मध्य में ही एक व्यूह को दूसरे व्यूह में परिवर्तित कर सकता है। और विचित्र, जो माया युद्ध में देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है। अब कहिए ऋषिवर, भला हमें किसका भय हो सकता है? राम के अश्व का स्वागत नहीं, उसका हरण करेंगे हम, हरण। परम ब्रह्म प्रभु श्री राम का अपमान करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप तुम और तुम्हारा ये राज विनाश की ओर अग्रसर होगा। और तब प्रभु के किसी सच्चे भक्त के चरण की धूल जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तब इस श्राप से मुक्त होगे तुम। ये विष्णु भक्त राजा सुबाहु की चक्रांका नगरी है। हमारी सेना के विश्राम के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यदि ये विष्णु भक्तों की नगरी है तो यहाँ कोई प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? अब सब पलट जाएगा जब ये विष्णु भक्ति राम का शत्रु बनकर उसकी सेना से भिड़ेगा। आनंद आनंद, निकुंभ फिर आनंद के सागर में डूब जाएगा। मुझे यहाँ संकट का आभास क्यों हो रहा है? प्रभु श्री विष्णु देव के भक्त सुबाहु के राज्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व की ऐसी उपेक्षा, कुछ तो असामान्य है यहाँ, मुझे सतर्क रहना होगा। अश्व क्लांत हो गया होगा, मैं इसे जल पिलाकर लाता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। मैं कोई छोटा बालक नहीं हूँ, जो आप अश्व की रक्षा के लिए मेरे साथ चलना चाहते हैं। और वैसे भी हम मित्र राज्य की सीमा में हैं। कुमार पुष्कल, मुझे संदेह है, यदि ये राज्य हमें मित्र समझता तो अभी तक यहाँ के राजा या राज परिवार से कोई अन्य प्रभु श्री राम के अश्व का स्वागत करने क्यों नहीं आया? पुत्र, हमें अधिक सतर्क रहना चाहिए यहाँ। मैं अपने दायित्व निभाने के लिए भली भांति सक्षम हूँ। चलो अश्व। हाँ,
अश्व आ रहा है, वो भी एक बालक के साथ। मूर्ख है क्या, एक अल्पायु बालक के साथ इतने महान यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया। हमारे लिए यही अच्छा है भ्राता विचित्र, तुम अपनी माया से इस बालक को भटकाओ, मैं अवसर देखकर अश्व ले जाऊंगा। उचित है भ्राता दमन, आप आगे बढ़िए, मैं देखता हूं इसे। मेरे मायावी श्वानस्त्र तुम्हें तुम्हारे अश्व से विलग कर देंगे बालक। सुरक्षा तो महत्वपूर्ण है। हनुमान जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं अश्व की सुरक्षा करने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ, फिर भी आप मुझे ढूंढते हो यहाँ। ये तो हिंसक श्वान है। यही नहीं, अन्य श्वान भी हैं यहाँ। यहाँ तो श्वानों का पूरा समूह है। त्रिमार, परंतु कुमार पुष्कल किस मार्ग से गया होगा? ये ध्वनि, ये तो वन के हिंसक श्वानों की ध्वनि है, कहीं ये पुष्कल एवं अश्वों को नहीं? नहीं, पुष्कर के अचूक बाण किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे दुष्टों। बालक, तुम्हारे मुड़ते ही अश्व का हरण हो जाएगा। Thank you.
आवश्यकता नहीं थी। मैं संभाल लेता सबको। मेरे आग्रह करने के भी पश्चात आप यहाँ चले आए। अश्व के सुरक्षा का दायित्व सर्वप्रथम मेरा है, फिर आपका। अश्व कहाँ गया? कौन लेके गया अश्व को? कहीं इन श्वानों ने तो? नहीं नहीं। ओम अग्ने स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ रही है, ये किसी अनिष्ट के संकेत तो नहीं है? समस्त मार्ग तो रिक्त हैं। वन के अन्य क्षेत्रों में भी वृक्षों के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां गया होगा अश्व? अश्व तो यहां कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। कदाचित श्वानों के कारण भड़क कर वो शिविर की ओर चला गया होगा। अश्व गया नहीं है, ले जाया गया है। ये सब जो कुछ हुआ है वो सब अश्व को चुराने का षड्यंत्र है। ये पांवों के चिन्ह अभी अभी के हैं। अश्व चुराने वाला उस दिशा में गया होगा। पुष्कल, सुनो पुष्कल, आश्चर्य ऋषिवर, यज्ञ की अग्नि मंद क्यों पड़ रही है? अग्नि के मंद होने का एक ही अर्थ हो सकता है, वो ये है कि यज्ञ का अश्व संकट में है। अब जब तक संकट टल नहीं जाता, अग्नि में कितनी भी आहुतियां डालिए, अग्नि मंद होती जाएगी। रुक जाओ, रुक जाओ। अब आगे बढ़ने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा। एक वानर और एक बालक, दमन को रोकोगे? मुझे बालक समझने की भूल मत करना दुष्ट। एकाकी ही पर्याप्त हूँ तुम्हारे लिए मैं। छोटा मुंह और बड़े बोल। तो ये एकाकी नहीं है, पूरी सेना है इसके साथ। रुक जाओ। प्रभु श्री राम के राज्य में मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना निषिद्ध है। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले?
और ये राम राज्य नहीं है और ना ही कभी होगा। आप कहोगे मुझे बालक? तो बालक बालक नाम से चिढ़ता है, ये है इसकी दुर्बलता। पुत्र, तुम अपना आपा मत खोना। सर्वप्रथम अश्व को अपने अधिकार मिलो। इनकी सेना को मैं संभालता हूं। मैं संभाल लूंगा इस सेना को, भले ही ये कितने भी विशाल हो। इन श्वानों के लिए तो मैं सिंह ही पर्याप्त हूँ। मैं पुष्कल को इन मायावी सेना से लड़ने नहीं दे सकता। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। उचित है, किंतु अश्व अधिक महत्वपूर्ण है, इसे मैं ले जाता हूँ। अरे, अश्व तो अधिक महत्वपूर्ण है, अश्व तो मैं ही लेके जाऊंगा। सैनिको, जाओ कुचल दो वानर को। वानर, अब दिखाता हूँ तुम्हें मायावी अस्त्र की शक्ति। विचित्र मायावी है ये सैनिक। ये हो क्या रहा है? जाओ बालक, लौट जाओ, कंदूक से खेलो। अभी तो क्रीड़ा की आयु है तुम्हारी बालक, अस्त्र शस्त्र चलाने की नहीं। अच्छा, तो इस बालक से तुम भयभीत क्यों हो गए थे? जो अश्व चुराना पड़ा तुम्हें, छीन लेते बालक से युद्ध करके। बालक से युद्ध करना वीरों को शोभा नहीं देता, और वैसे भी बालकों को आघात पहुंचाना मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे दुष्ट। बहुत डींगे हाँक रहे हो, यदि साहस है तो फिर उतरो अपनी तीर से, सामना करो मेरा। किंतु यदि मृत्यु से भय नहीं लगता हो तो ही ऐसा करना। मुझे इन सैनिकों के घेरे से निकलकर पुष्कल की सहायता करनी होगी। जय श्री राम।
उस मायावी ने मुझे इन सैनिकों के द्वारा अंतरिक्ष में भेजकर पुष्कल से दूर कर दिया, जिससे कि वो पुष्कल से अश्व छीनने में सफल हो जाएं। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। हट जाओ दुष्टों मेरे मार्ग से। ऐसे नहीं मानेंगे ये सब। मायावी हैं ये, इसलिए बार बार आ रहे हैं। इन्हें रोकने का कोई स्थायी उपाय ढूंढना होगा। विश्वान असुरों को समाप्त कर शीघ्र पुष्कल के समक्ष जाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वो दुष्ट हमारे अश्व को हानि पहुंचा दे। शत्रु कितना भी मार्ग भटकाने की कोशिश करे, किंतु व्यक्ति को अपने मार्ग के प्रति सजग रहना चाहिए।